राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे आलू पालक की सब्जी। तो आलू पालक की सब्जी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पालक को लेके उसे वॉश करके कट कर लेना है, और फिर ऐसा ही आलू को कट करना है। अब थोड़े से मोटा मोटा कट करें आलू को, ठीक है, उसके नॉर्मल पीस बनाएं। तो उसके बाद आपको उसे तेल में फ्राई कर लेना है और निकाल लेना है। फिर आपको तड़का लगाने की प्रिपरेशन करनी है। तो उसमें आपको तेल डाल के, और उसमें आपको डालना है 1 चम्मच जीरा, फिर उसमें डालना है आपको टमाटर और नमक और हल्दी, अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप। फिर उसके बाद आपको डालना है जो पालक आपने कट करी थी, ठीक है। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपको क्या करना है, पालक डाल देना है और 10 मिनट के लिए ढक्कन को लगा देना है। जब आपकी पालक अच्छे से पक जाए, जब उसमें अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए, तो आपको क्या करना है, आलू को डाल देना है जो आपने अभी आलू फ्राई किए थे, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब आपकी सब्जी बनके तैयार है आलू पालक की। तो चलिए लड्डू गोपाल को खिलाने के लिए चलते हैं। तो मैंने एक कटोरी में सब्जी ले ली है और मैंने ले ली है 2 रोटियां। तो चलिए लड्डू गोपाल को खिलाते हैं। तो मैंने लड्डू गोपाल को खिलाई, आप भी बनाएं आलू पालक की सब्जी और मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे भी सर्दियों में आलू पालक की सब्जी खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। राधे राधे।